नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है आईपी सिक्योरिटी। ठीक है, तो आईपी सिक्योरिटी को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर किए थे, उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे। तो आईपी सिक्योरिटी ही पिछली क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे, तो आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से इसमें ध्यान से देखना है। तो आईपी सिक्योरिटी जो है आईपी सेक जिसको हम बोलते हैं उसमें दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं मेनली, जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन हेडर एंड प्रोटोकॉल, एंड दूसरे बोलते हैं ईएसपी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने हेडर के फॉर्म में भी पढ़ा था और ये दोनों दोनों काम करते हैं। तो ये काम क्या करते थे, ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, ये दोनों कौन, ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था, ऑथेंटिकेशन हेडर। लेकिन जो इंक्रिप्शन इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड था वो ऑथेंटिकेशन प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों तीनों के तीनों मेंटेन कर रहा था। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो दो प्रोटोकॉल हैं एएसपी और ईएसपी और एएच, इन तीनों दोनों को इसमें ध्यान देना है। जाइए जरा यहाँ पर आते हैं। एएसपी का मतलब क्या हो, एएच का मतलब क्या हो, ऑथेंटिकेशन हेडर एक आईपी सेक प्रोटोकॉल है दैट प्रोवाइड इंटीग्रिटी एंड डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। इंटीग्रिटी मतलब डेटा मॉडिफाई ना हो पाए, ठीक है, यानी इनक्रिप्ट कर देगा, और ऑथेंटिकेशन मतलब कि वैलिड प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और ऑप्शनल होता है एंटी रिप्लाई सर्विस। ठीक है, एंटी रिप्लाई सर्विस क्योंकि इसमें सीक्वेंस नंबर ऐड होता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब डेटा इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, डेटा इंटीग्रिटी जरूर प्रोवाइड करेगा, यानी प्राइवेसी, यानी उसको मॉडिफाई होने से बचाने के लिए इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। अब इसके अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो ये पूरा पूरा कहला रहा है, ये पूरा पूरा पैकेट हुआ जो डेटा चेंज हो रहा है हेडर फॉर्म, ये आईपी हेडर हुआ, ये है एएच और रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल पैकेट, और ये पैडिंग, पैडिंग मतलब कि जो भी इसमें जोड़ा गया है ऐड किया गया है। ईएच को अगर ध्यान देंगे तो इसमें जो चार पांच पार्ट्स हैं, नेक्स्ट हेडर है, पेलोड लेंथ है, रिजर्व्ड है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है, सीक्वेंस नंबर है, ऑथेंटिकेशन डेटा है। ठीक है, इन सबको हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, कवर करते हैं। इस फिगर को आप यहाँ पर पॉज करके वीडियो में बना लीजिएगा, या आपके बुक में भी ये पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते जरा कि इसमें टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ने हैं कि एएच के टर्मिनोलॉजी को, जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं मैंने वो लिख दिया है, आप फिगर से यहाँ पर देख भी सकते हैं, उन्हीं फिगर को यहाँ पर मैंने पॉइंट को लिख दिया है। आइए जरा नेक्स्ट हेडर क्या करता है, नेक्स्ट हेडर एक हेड 8-bit डेटा होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि टाइप ऑफ हेडर जो प्रेजेंट आफ्टर ऑथेंटिकेशन हेडर। ठीक है, इन केस ऑफ टीसीपी यूडीपी और डेस्टिनेशन एड्रेस और सम अदर एक्सटेंशन हेडर इट विल स्टोर करस्पॉन्डेंस आईपी प्रोटोकॉल नंबर, जो प्रोटोकॉल नंबर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पर प्रोटोकॉल नंबर का मतलब क्या है, जैसे IPv4 अगर यूज है तो 4 रखेगा, और IPv6 यूज हुआ है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यूज हुआ है तो 6 रखेगा। ठीक है, पेलोड लेंथ जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कि ये लेंथ रखेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, ये डेटा का लेंथ नहीं रखता, ये ऑथेंटिकेशन हेडर की लेंथ रखता है, इज अ लेंथ ऑफ ऑथेंटिकेशन हेडर, यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, और इसको जो है स्केलिंग फैक्टर 4 के फॉर्म में लिया जाता है। तो जो उसकी साइज होगी हेडर की वो डिवाइड बाई 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट बाई 2 होगा, क्योंकि स्केलिंग 4 के होगा। तो ये फॉर्मूला दिया गया, तरीका दिया कैसे उसको निकाला जाता है, इट मींस यू आर नॉट इंक्लूडिंग नेक्स्ट हेडर, नेक्स्ट हेडर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये 8-byte का होगा। ठीक है, तो पेलोड लेंथ रिजर्व कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि कैसे इसको किया जाता है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला दिया गया x+2 × 4। ठीक है, खैर इसको हमें डिटेल में नहीं जाना है पेलोड लेंथ निकालने के लिए, बस आपको इतना समझना है कि पेलोड लेंथ कंटेन द ऑथेंटिकेशन हेडर, क्लियर है, ये आपके बुक में भी दिया हो, इसी को आपको समझना है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, नाम से समझ में आ रहा है सिक्योरिटी लगाने के लिए जो जो पैरामीटर्स यूज होंगे, ठीक है, उनकी बात कर रहा थी। ये 32-bit होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है दैट आइडेंटिफाइड ऑल पैकेट्स विच बिलोंग टू द प्रेजेंट कनेक्शन, एक कनेक्शन पे कौन कौन से पैकेट्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। इफ़ जैसे कि वी आर सेंडिंग डेटा फ्रॉम सोर्स ए टू बी, तो ए और बी ऑलरेडी नोन होने चाहिए वो एल्गोरिदम और की के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है, सो फॉर ऑथेंटिकेशन हैजिंग फंक्शन एंड की विल बी रिक्वायर्ड विच मल्ली सोर्स एंड डेस्टिनेशन विल नो। ठीक है, तो जो की इनके बीच में एक्सचेंज की जाती है वो हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल पढ़ा, एल्गोरिथम पढ़ा जिसका नाम था डेफी हेलमैन। ठीक है, तो ध्यान रखना है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या है, सिक्योरिटी के लिए जो भी ऑथेंटिकेशन और हैजिंग फंक्शन के लिए जो भी की यूज की जाएगी या जो भी एल्गोरिथम यूज की जाएगी वो जो है अगर ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा विद हेल्प ऑफ डेफी हेलमैन एल्गोरिथम द्वारा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन रखता है किसके पास होती है, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स के पास। सिक्वेंस नंबर, नाम समझ में आ रहा है, सिक्वेंस नंबर मतलब 32-bit का नंबर होगा, इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेके 232-1 यानी 231 तक होती है। ठीक है, ये पैकेट का नंबरिंग बताता है, पैकेट जैसे पहला नंबर जा रहा है 0 से स्टार्ट होता है तो पहला पैकेट 0 हुआ, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा कि रिसीवर साइड में जब ये वैल्यू अगर मोर देन 1 अगर सेम सिक्वेंस नंबर वैल्यू जाएगी तो समझ जाएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर रिप्लाई अटैक हो रहा है, तो रिप्लाई अटैक से बचने के लिए, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा डेटा हमारा है। ठीक है, नंबरिंग एक्सचेंज करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस नंबर का। ठीक है, तो ये बातें मैंने यहाँ पर इसमें लिखी हुई है। आइए जरा अब आता है एएच टर्मिनोलॉजी।
तो एएच के बारे में अभी हम लोगों ने एएच टर्मिनोलॉजी में जो हम लोग पढ़ रहे थे दो तीन पॉइंट पढ़ा, अब आता है इसी में एक लास्ट जो पॉइंट है वो है ऑथेंटिकेशन डेटा इंटीग्रिटी चेक वैल्यू। जैसा कि नाम से ऑथेंटिकेशन डेटा इज वेरिएबल लेंथ फील्ड दैट कंटेन इंटीग्रिटी चेक वैल्यू फॉर पैकेट। पैकेट में जो ऑथेंटिकेट करने की जो फैसिलिटीज होगी उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो वैल्यू होगी वो इसमें रखी जाएगी। यूजिंग हैजिंग एल्गोरिथम एंड सीक्रेट की सेंडर विल क्रिएट मैसेज डाइजेस्ट व्हिच विल बी सेंड टू रिसीवर। सेंडर क्या करेगा, जो मैसेज डाइजेस्ट होगा उसको रिसीवर पर सेंड करेगा। रिसीवर ऑन द अदर हैंड विल क्या करेगा, सेम हैजिंग एल्गोरिथम लगाएगा और सीक्रेट की यूज करेगा। अगर दोनों की वैल्यू जो डाइजेस्ट करने पर जो वैल्यू आ रही है अगर दोनों सेम है तो ये क्या होगा, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन की जाए। अगर बीच में मॉडिफाई होगा तो मॉडिफाई होने पे, अगर रिसीवर साइड पर पहुंचने पर होने से पहले अगर वो मॉडिफाई हुआ है तो उसका जो मैसेज डाइजेस्ट आएगा वो मैच नहीं होगा, जिससे रिसीवर इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। अब आइए जरा ESP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। ESP सिक्योरिटी पेलोड, इसका क्या काम है, ये विद इन द IPsec के अंदर यूज होता है फॉर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंसियलिटी। ध्यान रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, AH जो है ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी मेंटेन करता है लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करता। जैसा कि हम लोगों ने फिगर पिछले वीडियो में बना कर देखा भी था कि उसमें फिगर यस यस टिक लगाया गया था, यस नो का टिक लगा था, तो वो चीज़ आपको ध्यान होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम आए तो इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें तीनों पॉइंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो पैकेट पेलोड IPv4 IPv6 हो, ठीक है, इस फिगर को आप, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है तो आप अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा अगर आपको ये टाइम मिलता है तो इसमें इस पूरे पार्ट को अगर आप देखें तो आप लोगों ने पढ़ा था कि पहले क्या जुड़ रहा था, ASP हेडर जुड़ता था, दूसरे में क्या जुड़ता था, ASP ट्रेलर। ठीक है, तो ASP हेडर क्या है, ASP हेडर एक 32-bit डेटा होता है जिसमें पहला होता है सिक्योरिटी पर इंडेक्स, दूसरा होता है सिक्वेंस नंबर, और जो ASP ट्रेलर होता है इसके अंदर पैडिंग होती है, पैड लेंथ होता है, नेक्स्ट हेडर होता है, यानी टोटल 5 फील्ड हैं। इन 5 फील्ड को हमें क्या करना है, एक एक करके समझना है, और यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ जाएगा, ऑथेंटिकेशन डेटा। क्लियर, तो 5-6 फील्ड आपको समझना है, इनको एक एक करके समझते हैं। तो सिक्योरिटी परमिट इंडेक्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन डेटा में पढ़ा था कि सिक्योरिटी परमिट इंडेक्स क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सेंड, वो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि एल्गोरिदम कौन सी यूज की गई, सीक्रेट की कौन सी यूज की गई ए और बी के बीच में एक्सचेंज करने से पहले। ठीक है, जिसको ए और बी ही जानते रहें। सीक्वेंस नंबर तो मैं बताया, 32-bit एक सीक्वेंस नंबर होता है जो AH प्रोटोकॉल में जैसे यूज होता है। पैडिंग में भी रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव टू इनक्रिप्शन एल्गोरिदम रिक्वायरमेंट टू इंश्योर दैट द रिजल्टिंग सिफर टेक्स्ट टर्मिनेट ऑन अ 4-byte बाउंड्री। इसका मतलब ये हो कि अगर आपका डेटा जो है 4 byte से कम का बन रहा है तो अगर जितनी कमी होगी उतना वो पहुंचा उसमें फिल करने का मतलब, और पैडिंग हमेशा 0-0 फिल करने का मतलब। जैसे एग्जांपल समझिए कि अगर मैं कहूँ कि 10 का बाइनरी क्या होगा, ठीक है, या 8 का बाइनरी क्या होगा, अगर मैं कहूँ 10 का बाइनरी क्या होता है तो आप कहेंगे 1010। ठीक है, अब मैं कहूँगा इसी डेटा को 1010 ये 4-bit का है, इसे मुझे 8-bit में बनाना है, यानी 1 byte में बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि 1010 तो 4 byte हुआ, 4 bit हुए, इसके अंदर आगे जो है 0000 अगर हम 4 और जोड़ दें तो कितने का बन जाएगा, 1 byte का हो जाएगा। वैसे ही पैडिंग में क्या करता है, जब आपका डेटा मुझे कितने बिट में ले जाना है, 4 byte में बाउंड्री में ले जाना है, 4 byte मतलब 8 चौक 32, यानी 32 bit का होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई डेटा हमारा 32 bit की बजाय मान लीजिए 26 या 20 bit का हो रहा है तो उसमें जितने करेक्टर बचेंगे, ठीक है, उतना क्या करेगा, 00 ऐड कर देगा। ठीक है, पैड लेंथ मतलब बताता है कि कितने बिट ऐड किए गए थे, पैडिंग तो मतलब हो गया कि वो कितना ऐड करके उसको 32 bit का बनाया गया, लेकिन 8 bit यानी जो पैड लेंथ होता है ये बताता है कितने बाइट्स यानी कितनी साइज पैडिंग अटैच की गई है, क्योंकि रिसीवर साइड में उतना ही जीरो क्या करना है, हमें रिमूव करना है। क्लियर है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हेडर बताता है कि प्रोटोकॉल नंबर, कि जो भी प्रोटोकॉल नंबर होगा जो पेलो डेटा लेके जा रहा है वो IPv4 है या IPv6 है, वर्जन 4 होगा तो 4 जाएगा, वर्जन 6 होगा तो 6 प्रोटोकॉल नंबरिंग जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन डेटा समझ में आ रहा है, ऑथेंटिकेट मतलब ऑथेंटिकेट प्रोवाइड करने के लिए सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं ये सब, कि ए और बी के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो ए और बी जो है कैसे उन आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और कैसे ये प्रूफ करेंगे कि यू आर द वैलिड पर्सन और नॉट। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कैसे इनक्रिप्शन यहाँ पर एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए। बट उसके पहले हम लोग एक और पॉइंट समझते हैं, वो है कंबाइनिंग सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ ध्यान समझना है कि ऐसे क्या था, सिक्योरिटी एसोसिएशन था। सिक्योरिटी एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जब कम्युनिकेशन के पहले, मैंने समझाया था पिछले वीडियो में बताया था कि इस कम्युनिकेशन जब ए और बी आपस में बात करने वाले रहते हैं तो वो आपस में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे, कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, कौन सी की यूज होगी, एक्सचेंज की कैसे एक्सचेंज की जाएगी, किस एल्गोरिदम द्वारा एक्सचेंज की जाए, ये सारी जानकारी हम लोगों ने क्या की थी, कंबाइनिंग सिक्योरिटी एसोसिएशन कहलाता है।
अब ये कंबाइन कैसे होगा, तो कंबाइन करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं, ट्रांसपोर्ट एडजेसेंसी और इटरेटेड टनलिंग। ठीक है, हम लोगों को याद करिए कि आईपी मोड में हम लोगों ने दो पढ़ा था, एक ट्रांसपोर्ट मोड और एक टनल मोड। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एडजेसेंसी है और दूसरा क्या है, इटरेटेड टनलिंग है। तो ट्रांसपोर्ट एडजेसेंसी मतलब क्या है, जब आप मोर देन वन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा रहे हैं एक ही पैकेट पर, यानी एक आईपी पैकेट है उसमें क्या है कई सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा दे रहे हैं बिना टनलिंग का यूज़ किए हुए। तो इस अप्रोच में आपने देखा था AH और ESP यूज हो रहा था। ठीक है, जिसमें हम मोर देन वन लेवल क्या करते हैं, ओनली वन लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन अलाउड। ठीक है, ध्यान रखना है ट्रांसपोर्ट एडजेंसी मतलब क्या हुआ, अप्लाइंग मोर देन वन सिक्योरिटी पैरामीटर प्रोटोकॉल टू द सेम आईपी पैकेट विदाउट इन्वॉल्विंग टनलिंग, यानी टनलिंग यूज़ नहीं करना है लेकिन एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल, एक से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक ही पैकेट पे लगाए जा सकते हैं। दूसरा आता है इटरेटेड टनलिंग। इटरेटेड टनलिंग में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अफेक्टेड थ्रू आईपी टनलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं, ना कि इसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, थ्रू टनलिंग, इसमें टनलिंग भी यूज होगा। ठीक है, तो दिस अप्रोच अलाउ फॉर मल्टीपल लेवल ऑफ नेस्टिंग सिंस ईच टनल कैन ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट अ डिफरेंट आईपी सेक साइट अलॉन्ग द पाथ। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइट अलॉन्ग पाथ पे क्या करेगा, ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इटरेटेड टनलिंग का मतलब क्या होगा, जब आपका मल्टी लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अप्लाई हो जहाँ पर टनलिंग भी होगी, जबकि ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, टनलिंग नहीं होगी और एक से ज़्यादा सिक्योरिटी एक ही प्रोटोकॉल पर लगा, एक ही आईपी पैकेट पर लगाया जाएगा। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है, ये आपके शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज कंबाइनिंग सिक्योरिटी एसोसिएशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।